नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा ऐतिहासिक इमारतों के बारे में। उसमें से एक इमारत जिसको बहुत ही प्रसिद्धि मिली हुई है, जिसे हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हिंदू पक्ष क्या कहता है वो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और साथ ही ये इतिहास भी बताऊंगा कि कैसे जो है इसके बारे में जो है इतिहासकार क्या कहते हैं, और हमारे जो है हिंदू धर्म से संबंधित व्याख्यान क्या कहते हैं, वो दोनों ही बातें मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। आप निर्धारित कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं इसको दोनों ही पक्षों को आज रखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऐतिहासिक रूप से बताता हूँ कि कुतुब मीनार जो है ये दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, जो मोहम्मद गौरी के बाद जो था पहला जो है तुर्की शासक था, तथा 1230 से 31 में इल्तुतमिश में इसको जो है पूरा बनवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो है चिश्ती निजामुद्दीन और ये जो आपके मुइनुद्दीन चिश्ती थे उनके शिष्य थे, उनके ही नाम पर इसको जो है कुतुब मीनार रखा गया, अर्थात कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा। कुतुब मीनार का निर्माण जो है मुआइजिन के लिए अजान देने के लिए किया गया था। ये जो है कन्नौज विजय के स्मारक चिन्ह के रूप में इसको माना गया, कि जो कन्नौज की विजय की थी उसके स्मारक के रूप में ही इसको माना गया। इसकी ऊंचाई लगभग 242 फीट है, और नीचे से ऊपर तक ये पतली होती चली गई है। इसके बाहरी भाग पर जो है अरबी और फारसी में जो है लेख जो है इसमें अंकित हैं, और प्रारंभ में थी जो थी चार मंजिला थी, और ये जो है दिल्ली के दक्षिण में जो महरौली है वहाँ पर ये स्थित है, और ईंटों की बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार कही जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर या 237.86 फुट है। कुतुब मीनार का जो आधार का व्यास है वो 14.3 मीटर है, और शिखर पर जाकर ये 2.75 मीटर जो है रह जाता है। इसके बाद जो है तीन मंजिलों को तो इल्तुतमिश ने बनवा दिया था, लेकिन इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने पांचवी और आखिरी मंजिल को बनवाया, लेकिन सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से जो है क्षतिग्रस्त हो गई, तब इसे सिकंदर लोधी द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद के मीनार के रूप में होता था, और यहाँ से अजान दी जाती थी, लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाए तो भी इसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से ही सुन पाएगा। कुतुब मीनार जो है लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है, और इस पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर और अन्य सामग्री उपयोग के लिए ली गई थी वो 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन मीनार पर केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसकी मीनार बनाई थी, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा हुआ है कहीं पे। मीनार के पास ही जो है चौथी शताब्दी का एक लौह स्तंभ है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वज के रूप में विष्णुपद पहाड़ी पर निर्मित किया गया था। तो अब मैं बात करता हूँ हिंदू पक्ष की, जो इसके बारे में हमें क्या क्या बताते हैं कि मीनार का जो चारों ओर से निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता है। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थी, और 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी की हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी जो तोड़ दी गई, और 6ठी मंजिल पर भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे वो हटा दिए गए होंगे। हिंदू पक्ष के अनुसार जो है वाराहमिहिर जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे, एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने जो है इस मीनार का निर्माण करवाया था, और इसका वास्तविक नाम जो है विष्णु स्तंभ था। वाराहमिहिर ने मीनार जो है यानी स्तंभ के चारों नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 जो है कलापूर्ण परिपथों का निर्माण करवाया था, लेकिन इन परिपथों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने थे,
और इन्हीं 27 परिपथों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा है। इसके पास जो है एक सबसे बड़ा सबूत जो है वो है खड़ा हुआ लौह स्तंभ है, जिस पर ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी 380 से 414 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। एक और सबूत मिलता है कि जिस समय सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट खगोल शास्त्र और भवन निर्माण विशेषज्ञ वाराह मिहिर हुए, तो ऐसे राज के राज्यकाल में जिसमें लौह स्तंभ स्थापित हुआ था, तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ बना दिया गया होगा? ऐसा होना संभव नहीं है। इसका मतलब निश्चय ही आसपास अन्य निर्माण भी किए गए होंगे। इस प्रकार ये जो विष्णु स्तंभ है यही कुतुब मीनार है, और ये कुतुब मीनार को ही जो है बाद में जो है अजान के लिए उपयोग किया जाने लगा, और ये जो है बनाई गई जो थी ये वाराह मिहिर द्वारा जो है बनाई गई थी। तो ये है हिंदू पक्ष का दावा। अब सच्चाई क्या है आप लोग निर्धारित करें। मेरा काम है बताना और मैंने बता दिया है कि इसमें इसके बारे में क्या क्या तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।